तो हे गाइस वाचिंग फॉर माय न्यू व्लॉग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के उपाध्याय व्लॉग से। मैं आपका अपन हरीश हूं, आपको मोहित। तो अपने फिर अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट शुरू कर दिया। पीछे भैया बैठे हैं, विकास भैया, और ये सब व्लॉग स्टार्ट करने वाले, तो बने रही हमारे व्लॉग के साथ। तो गाइस जो है, हम यहाँ पे रूम को चेकआउट कर रहे हैं। रूम चेकआउट कर दिया हमने बिल्कुल, और अगली बार हम ये वाले कपड़े पहन के चले, क्योंकि रास्ते में रील्स वगैरह बनानी पड़ेगी, थोड़ी व्लॉग भी शूट करना पड़ेगा। भैया के सर में था, भैया ने मान लिया कपड़ा यहाँ से मिला था, और इसको देख सकते हो, विकास भाई को पूरी टंकी खाली कर दी इसने, पानी पी के पूरी ही टंकी खाली। मोहित भाई को देखिए कितना भारी बैग दिया है हमने, सबसे भारी बैग मोहित भाई को। और तो थोड़ी गर्मी भी होने वाली है, तो बने रही हमारे व्लॉग के साथ। यहाँ तो यहाँ से हम नई व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब हम दर्शन करने के बाद अब सब चल रहे हैं, हम कहाँ पर जा रहे हैं भाई? अब हम रूम चेकआउट कर चुका है हमने, और हम जा रहे हैं नीचे पदयात्रा पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ से बाइक उठाकर वहाँ पे निकलेंगे हम बद्रीनाथ के लिए। वैसे आज हम यहीं पे भी स्टे कर सकते हैं, नीचे भी शाम तक उतरेंगे, वैसे शाम ही हो जाएगी जाने में। और चलते हैं, देखते हैं और रास्ते का जगह कैसा व्यू रहता है, बारिश होती है नहीं होती है। कल तो बाल बाल बचे रहे बारिश से, तो कुसुम पूरी टीम है, एक लड़का मिसिंग है, वो पता नहीं कहाँ पर पहुँची है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ हम। तो गाइस जैसे ही आगे बढ़े, यहाँ पे आप हेलीपैड देख सकते हैं, और हेलीपैड पे चल रहा है यहाँ पे मैच, जो यहाँ के हैं ITBP वाले हैं और आर्मी वाले हैं, उनका संडे क्लोज था, तो संडे में मैच चल रहा था यहाँ पे। और जब हेलीकॉप्टर नहीं आ रहे थे इस हेलीपैड, तो गाइस उसके बाद आप नज़ारा देख ही सकते हो यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा मोहित चलते चलते थक गया था, और हम भी थक चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना मोहित के लिए घोड़ा कर ले, और घोड़ा के बहाने से हमारा बैग भी उसके साथ चला जाएगा। तो भारी बैग था हमारे पास एक, हमने वो बैग भी मोहित को दे दिया, और आप देखिए मोहित घोड़े पर, हमने मोहित को घोड़े पर बिठा चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मोहित को घोड़े पर बिठा दिया हमने, ये रंग। तो गाइस मोहित घोड़े पे बैठ गया। मोहित कैसा लग रहा भाई? मोहित कैसा लग रहा एक बार? तो गाइज यहाँ पे हमारी यात्रा पूरी हो चुकी थी, हम बाय बाय करने वाले थे केदारनाथ को, और इससे 6 किलोमीटर नीचे हमें गाड़ी से जाना। तो हे गाइज हमारी यात्रा संपूर्ण हुई, केदारनाथ यात्रा, और तो हमारा ब्लॉग भी आज बहुत बड़ा होने वाला है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। अभी हम रूम पे जाएंगे हम सीधा बाइक उठा के स्टे करेंगे, आगे जाकर स्टे करेंगे, रूम लेंगे ना, जो भी कुछ देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। गाइज आप हमारा रूम भी देख सकते हैं, हम तीनों भैया नहीं सोए थे, हम तीनों दस रूम में सोए थे, क्योंकि कंफर्टेबल फील सा नहीं होता, मतलब बिजी बिजी में सो रहे थे, जहाँ पे भी सो रहे थे हम 6, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था, पर आज तो मतलब पड़ते नहीं था, बहुत अच्छा गद्दा होता है। तो गाइज आप हमारा रूम देख सकते हैं, यहाँ पे हम सोए थे मोहित भाई, तो अब भी नेस्ट ही मारे। तो थोड़ा रूम ऐसे ही था भाई हमारा, रुकने लायक बढ़िया, हाँ वहाँ से सब कुछ अच्छा था, कपड़े देखकर ऐसे टांग दिए हमने, कुछ जगह नहीं मिली, और यहाँ से थोड़ा रूम से बाहर निकलती कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, थोड़ा ऐसा है, बढ़िया बढ़िया था। तो गाइस हम यहाँ से निकलने वाले बद्रीनाथ के लिए, आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े खाली पड़े हैं, सब मेरे ही हैं, और मैं लगा रहा हूँ। इस टाइम में मोहित भाई ने कैमरा पकड़ रखा है, मोहित भाई ब्लॉगिंग करवा रहा है, मोहित भाई ना चुके हैं, और मैं अपने कपड़े पैक कर रहा हूँ। तो अभी हमें टाइम लगने वाला है बद्रीनाथ निकलने के लिए, अब तसल्ली से ना आज लाए हैं ना मोहित? हाँ बिल्कुल आज लाए हैं भाई हम, और बहुत ज्यादा मजा आया हमें यहाँ पे उस वाले होटल में रुक के, तो मतलब छोटा होटल होने से कुछ नहीं होता, नहीं होना चाहिए भाई, हमें हमारा जाने का भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से। तो हम निकलने वाले बद्रीनाथ के लिए, तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ, मिलते हैं। तो हे गाइस हम निकलने वाले हैं यहाँ से, हम रेडी हो चुके हैं, हमारी बाइक देख सकते हैं, एक दो बड़ी काफी खड़ी, तीनों बाइक खड़ी हमारी, अब निकलने वाले हैं यहाँ से। हमने कल पता क्या पंगा हुआ, हमने हेलमेट बाइक में बने छोड़ दिए, रात होगी बारिश, हेलमेट गिर ले, बिल्कुल बिल्कुल, तो हेलमेट गिर ले, भाई ने गढ़वाली गाने चला रखे, विकास भाई ने याद आ रही इसको
विकास भाई को याद आ रही है। तो ये सब रेडी हो चुके हैं, वासु भाई विकास भाई रेडी हो चुके हैं नहाके। तो भाई थोड़ी सर्दी हो रही, मैंने जैकेट डाल ली, हवा लगी क्योंकि बाइक पे बाइक मैं चलाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे बद्रीनाथ, बने रही हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ब्लॉग यार डालनी पड़ा टाइम पर क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की इशू हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं जो भी, बने रही हमारे ब्लॉग के साथ, मिलते हैं आपसे चलते चलते। ओके टाटा बाय। शंकर भगवान की जय। तो गाइस जैसे आप यहाँ से निकलेंगे बद्रीनाथ यात्रा के लिए, तो शुरू में पड़ेगा काली मठ। काली मठ के हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं फिलहाल, हमारी बाइक चल रही है काली मठ में। तो काली मठ का रास्ता 7 किलोमीटर है कम से कम, तो काली मठ पड़ेगा। तो हम अभी चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है बट उतरने में नहीं होती, उतरने में तो बाइक बंद करके भी जा सकते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे रुक चुके हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितनी दूर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे तो गाइज देख सकते हैं आप, यहाँ पे काली मठ 6 किलोमीटर इधर जा रहा है और बद्रीनाथ 181 किलोमीटर।
हमारी यात्रा कम्प्लीट हुई बहुत अच्छे से हुई। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा। ओके टाटा, बाय।